आज का हमारा एक क्वेश्चन होगा परसेंटेज पर बेस्ड, जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक होते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे SSC, CGL, CHSL और भी आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो ये क्वेश्चन है, देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 60 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 47% ऑफ द वोट्स एंड 1/308 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड। अब क्वेश्चन जो जो चीज़ों को कह रहा है उसे आप लिखते जाइए, इससे होता क्या है, आसानी होती है समझने में क्वेश्चन को, ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं, 10% ऑफ द वोट्स कास्ट ही नहीं हुए, मतलब 90% ऑफ द वोटर्स रहे। अब इस 90% में हार और जीत हुई, ठीक है, हार हुई और जीत हुई। कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसे 47% ऑफ द टोटल वोट्स आए, ठीक है, तो जीतने वाले कैंडिडेट को कितने आए, 47%। अब एंड 1/308 वोट्स, तो अब ये हम कह सकते हैं ना, तो जो जीत रहा है उसे 47% ऑफ द वोट्स आए, बाकी के जो हमारे 60 वोट्स थे वो इनवैलिड भी हुए, तो ये इनवैलिड वोट्स किस में आएंगे, इसी में आएंगे, तो एक और सेक्शन बनेगा इनवैलिड का, ठीक। अब इनवैलिड वोट्स प्लस हारने वाला कैंडिडेट, इन दोनों को अगर वोट्स को हम लोग जोड़ दें तो क्या होगा, यही होगा 90-47%, जो कि होगा 43%, ठीक है। अब इनवैलिड वोट्स की काउंट कितनी है, दी हुई है क्वेश्चन में 60 की काउंट है इनवैलिड वोट्स की, ठीक है। अब आगे ये भी लिखा गया है, जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो 308 वोट से जीत रहा है, ठीक। तो ये 308 वोट से कब जीतता, जब ये 43% पूरे के पूरे होते हारने वाले कैंडिडेट के, पर ऐसा तो लिखा नहीं है, केवल इतना लिखा गया है कि 60% वोट्स इनवैलिड हैं और जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो 308 वोट से जीत रहा है। तो जब हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं, हारने के वोट्स को प्लस इनवैलिड को, वो होगा 43%। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 4% का, ठीक है। अब जब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस कर रहे हैं तब ये बराबर किस चीज़ के होंगे, 308 में से माइनस 60, जो कि क्या होगा, 248। 4% इज इक्वल टू 248, क्योंकि लिखा गया साफ कि जीतने वाला कैंडिडेट 308 वोट से जीत रहा है, तो 1% के बराबर क्या होगा, 62। 1% वोट्स मतलब 62, तो 100% क्या हुआ, क्योंकि पूछ रहा है नंबर ऑफ वोटर्स, तो सॉरी यहाँ 100% ही निकाल के हम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, मतलब 90%, जो कि 62 into 90, which is equal to 5580।